बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने फिल विद स्पेसिफायर की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम स्कैनर फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं, चाहे वो फिल विद स्पेसिफायर हो, फॉर्मेट स्पेसिफायर हो या फिर प्रिंटर फंक्शन हो, तमाम टॉपिक्स में हमने जो प्रोग्राम्स बनाना आपको सिखाए हैं उनमें प्री डिफाइंड वैल्यूज वेरिएबल में स्टोर करवाई हैं। और प्री डिफाइंड वैल्यूज से क्या मुराद है? ऐसी वैल्यूज जो कि आप अपने प्रोग्राम को बनाते वक्त ही डिफाइन करते हैं, वेरिएबल में स्टोर करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम ये जानते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हम बनाते हैं वो यूजर के लिए बनाते हैं, उन्हें यूजर्स ने इस्तेमाल करना होता है। तो इसीलिए उन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए जो डेटा हमें चाहिए होगा वो डेटा भी यूजर की तरफ से इनपुट करना होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो स्कैनर फंक्शन है, दरअसल यही वो फंक्शन है जो कि यूजर की तरफ से डेटा को इनपुट लेने के लिए और इनपुट लेने के बाद वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए यूज किया जाता है। और इसीलिए ये इसकी डेफिनेशन देखिए, द स्कैनर फंक्शन इज यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड एंड स्टोर इट इनटू द वेरिएबल। दोस्तों, आप जानते हैं कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कि मल्टीपल कीज पर मुश्तमिल होती है। तो उन कीज को जब आप प्रेस करेंगे और जो भी करेक्टर उस की पर मौजूद होगा, तो स्कैनर फंक्शन उसको एज अ डेटा कंसीडर करेगा और डेटा के तौर पर इनपुट लेगा और इनपुट लेने के बाद किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। यानी डियर फ्रेंड्स, अगर आप और करें तो स्कैनर को दो चीजें रिक्वायर्ड होंगी कि उसे किस किस्म के डेटा को इनपुट लेना है और इनपुट लेने के बाद उस डेटा को किस वेरिएबल में स्टोर करवाना है। इसीलिए ये इसका सिंटेक्स देखिए, आप सबसे पहले लोअर केस के अंदर स्कैनफ लिखेंगे, स्कैनफ के बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद कल इन कोटेशन मार्क्स में, यानी डबल कोटेशन मार्क्स में आप फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे। दोस्तों, जिस तरह हम प्रिंटर फंक्शन के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर देते थे, जो कि प्रिंटर फंक्शन को बताता था कि जो आउटपुट आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ ये फॉर्मेट स्पेसिफायर स्कैनर फंक्शन को बताएगा कि जो डेटा आप इनपुट ले रहे हैं वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, जो हमारा स्कैनर फंक्शन है ये एक इनपुट फंक्शन है, तो यहाँ पर हमें इनपुट लेते वक्त भी अपने प्रोग्राम में बताना है कंपाइलर को कि हमें किस टाइप के डेटा को इनपुट लेना है, ताकि जब आप इनपुट दें तो वो यूजर को रोक सके। अगर यूजर आपको करेक्टर के बजाय कोई नंबर इनपुट देता है, तो क्योंकि आपने तो यहाँ पर पहले से ही डिफाइन कर दिया है कि मुझे तो नंबर ही इनपुट लेना है, तो कंपाइलर समझ जाएगा और यूजर को करेक्टर इनपुट देने नहीं देगा। इसीलिए दोस्तों, ये जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये स्कैनर फंक्शन को बताएगा कि आपको यूजर से किस किस्म के डाटा को इनपुट लेना है। और यहाँ हम अलग अलग टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, उनमें है परसेंट सी जो कि करेक्टर को इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है, परसेंट डी जो कि इंटीजर को इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है, परसेंट एफ जो कि डेसिमल वैल्यूज यानी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है, और परसेंट एस जो कि स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज को इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर स्कैनर फंक्शन को बताते हैं कि उन्हें किस टाइप के डेटा को इनपुट लेना है। सपोज आपने यहाँ परसेंट सी लिखा है, यानी इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर आपने परसेंट सी लिखा है, तो ये परसेंट सी स्कैनर को बताएगा कि आपको सिर्फ करेक्टर को ही इनपुट लेना है, यानी यूजर को सिर्फ और सिर्फ करेक्टर इनपुट लेने पर ही आमादा करना है। अब अगर यूजर करेक्टर के बजाय नंबर्स को इनपुट दे देता है, तो फिर स्कैनर उन नंबर्स को इग्नोर कर देगा, इनपुट नहीं लेगा, क्योंकि आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ परसेंट सी लिखा है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल करेक्टर को इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये फायदा है इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का, जो कि स्कैनर फंक्शन को हेल्प आउट करेगा कि उसे किस किस्म के डाटा को इनपुट लेना चाहिए। और डियर फ्रेंड्स, आपने डाटा तो इनपुट ले लिया, यानी यहाँ पर एक काम तो हो गया इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का, आपको पता लग गया कि ये क्यों यूज किया जाता है। लेकिन अब ये जो दूसरा वेरिएबल नेम और ये एम्परसेंड का साइन है, ये किस लिए यूज किया जाता है? तो डियर फ्रेंड्स, आपने डाटा इनपुट ले लिया, लेकिन अब असल मसला है उस डाटा को मेमोरी में स्टोर करवाना।
क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी डेटा को अगर हम प्रोसेस करना चाहते हैं तो पहले हमें उसे मेमोरी में स्टोर करवाना होता है और मेमोरी से ही सीपीयू उस डेटा को निकालता है। यानी अब आपने डेटा तो इनपुट ले लिया, अब मसला है उस डेटा को मेमोरी में स्टोर करवाना। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सी लैंग्वेज में किसी वेरिएबल में ही डेटा को स्टोर करवाते हैं, इसीलिए यहाँ सिंटेक्स में कॉमा के बाद हम उस वेरिएबल का नेम देंगे जिसमें हमें इस डेटा को स्टोर करवाना है। लेकिन यहाँ वेरिएबल नेम से पहले एम्परसेंड का सिंबल भी यूज किया गया है, तो सी लैंग्वेज में इसको एड्रेस ऑपरेटर भी कहा जाता है। ये दोस्तों क्या करता है, ये स्कैनफ फंक्शन को ये बताता है कि जिस वेरिएबल में आप डेटा को स्टोर करने जा रहे हैं उस वेरिएबल का मेमोरी में एड्रेस क्या होगा, वो वेरिएबल मेमोरी में किस एड्रेस पर मौजूद होगा। दोस्तों इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले, यानी इसमें वैल्यू को स्टोर करने से पहले हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इस तरह से। तो अब ये स्टेटमेंट जब रन होगी, यानी कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो कंपाइलर इस वेरिएबल को एक एड्रेस असाइन कर देगा मेमोरी में। यानी मेमोरी में बहुत सी लोकेशंस मौजूद होती हैं, तो उनमें से एक लोकेशन असाइन कर देगा इस वेरिएबल ए को। अब दोस्तों जब आप स्कैनफ की स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि आपने इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया है, यहाँ पर जब आपने डिक्लेरेशन की है तो उसमें आपने बताया है कि ये जो वेरिएबल है ये एक इंटीजर टाइप है, इसीलिए इस वेरिएबल को इनपुट लेते वक्त जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करेंगे वो भी इंटीजर टाइप होना चाहिए। और आप जानते हैं कि इंटीजर को यूज करने के लिए हम जिस फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं वो है परसेंट डी। और डबल कोटेशन के बाद आपने उस वेरिएबल का नेम लिखा है। दोस्तों अब यहाँ सिर्फ इस वेरिएबल का नेम लिखना काफी नहीं है, लेकिन इस नेम के जरिए स्कैनर को ये नहीं पता लगेगा कि मेमोरी में इस वेरिएबल की लोकेशन क्या है। और फिर जब हम यहाँ इस ए के साथ एड्रेस ऑपरेटर भी लगा देंगे तो फिर स्कैनफ फंक्शन को ये एड्रेस ऑपरेटर बताएगा कि ये मेमोरी में किस एड्रेस पर मौजूद है, और स्कैनफ इनपुट किए गए डेटा को उस वेरिएबल के एड्रेस पर स्टोर करवा देगा इस तरह से। तो दोस्तों स्कैनफ काम करता है, क्या काम करता है, ये सबसे पहले तो एक डेटा को इनपुट देता है और इनपुट लेने के बाद उस डेटा को मेमोरी में स्टोर भी करवाता है। इस तरह से ये स्कैनफ फंक्शन काम करता है। तो याद रखिए दोस्तों, आप एक वक्त में सिर्फ सिंगल डाटा को ही इनपुट नहीं ले सकते, बल्कि मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा को भी एक साथ इनपुट ले सकते हैं। अब आइए इसकी मजीद डिटेल देखते हैं प्रोग्राम्स। दोस्तों ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम यूजर से एक सिंगल नंबर को इनपुट ले रहे हैं। तो याद रखिए स्कैनफ क्योंकि एक स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है जिसकी तमाम डिटेल्स stdio.hlibrary फाइल्स में डिफाइन हो गई है, इसीलिए इस स्कैनर फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करने से पहले हमें stdio.hlibrary फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना लाजमी है। दोस्तों इसके बाद क्योंकि आप एक नंबर को इनपुट ले रहे हैं और आप जानते हैं कि किसी भी नंबर की जो डेटा टाइप होती है सी लैंग्वेज में वो इंटीजर होती है, तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल नेम दिया है नंबर जिसकी डेटा टाइप हमने इंट रखी है। इसके बाद दोस्तों हमने एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट लिखी है जिसमें हमने लिखा है एंटर एनी नंबर। दोस्तों ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप स्कैनर फंक्शन से पहले प्रिंटफ फंक्शन के अंदर यूजर को बताएं कि यूजर को किस किस्म के डाटा को इनपुट देना है, क्योंकि दोस्तों आम तौर पर जब यूजर इनपुट दे रहा होता है तो उसे नहीं पता होता कि उसे आया कैरेक्टर को इनपुट देना है, नंबर को इनपुट देना है, क्योंकि प्रोग्राम तो प्रोग्रामर्स बनाते हैं। तो इसीलिए यूजर को आपको बताना पड़ेगा कि आपको किस किस्म के डाटा को इनपुट देना है। उसके बाद दोस्तों आप स्कैनफ की स्टेटमेंट लिखेंगे। स्कैनफ के अंदर क्योंकि आप इंटीजर टाइप का नंबर यानी एक नंबर को इनपुट लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए परसेंट डी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद एम परसेंट और एम परसेंट के बाद वो वेरिएबल नेम जिसमें आप अपनी इनपुट करदा वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने जब इनपुट ले लिया है तो इनपुट लेने के बाद इस प्रिंटफ की स्टेटमेंट के जरिए आप इस वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू को प्रिंट भी करवा सकते हैं। अब आइए इसको रन करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये आउटपुट स्क्रीन ओपन है पहले से ही, तो पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं और अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसने आपसे पूछा है एंटर एनी नंबर। आपने यहाँ पर नंबर इनपुट दिया है 4। जैसे ही आपने 4 इनपुट दिया है तो स्कैनर के जरिए इसने 4 को इनपुट लिया, और इनपुट लेने के बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि अब इस नंबर के अंदर ये 4 वैल्यू स्टोर हो गई है, क्योंकि हमने इस नंबर वेरिएबल को प्रिंट करवाया है, विच मीन्स कि आप यूजर से अगर नंबर को इनपुट लेना चाहते हैं तो इसका तरीकेकार कुछ इस तरह से है।
दोस्तों ये तो अभी जो हमने तरीका देखा था वो सिंगल नंबर को इनपुट लेने का था। अगर आप एक ही वक्त में एक साथ मल्टीपल नंबर्स को इनपुट लेना चाहते हैं तो आप सिंपल स्कैनर की स्टेटमेंट में फॉर्मेट स्पेसिफायर में 3 दफा % d लिखेंगे, और क्योंकि 3 दफा % d लिखा है विच मीन्स के आप 3 वेरिएबल में अलग अलग वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे, तो इसके लिए आपको वेरिएबल भी 3 चाहिए होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप वेरिएबल नंबर 1 का रेफरेंस देंगे, यहाँ पर वेरिएबल नंबर 2 का जिसका नाम है नंबर 2, और यहाँ पर वेरिएबल नंबर 3 का। आइए अब इसको रन करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम 3 वेरिएबल देते हैं 5, 6 और 7, और ये देखिए दोस्तों आपको 3 वेरिएबल्स के अंदर आपने एक साथ 3 वैल्यूज को इनपुट ले लिया है। यानी दोस्तों अगर आप सिंगल स्कैनर फंक्शन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को इनपुट लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस प्रोग्राम पर गौर करें तो यहाँ पर हमने सेम चीजें इनपुट ली हैं, यानी सिर्फ इंटीजर को ही 3 दफा इनपुट लिया है। अगर आप दोस्तों मल्टीपल टाइप के डाटा को एक साथ इनपुट लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। दोस्तों आप सिंपल स्कैनर के अंदर अगर इंटीजर फ्लोट और करेक्टर टाइप के डाटा को एक साथ इनपुट लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले 3 अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करेंगे। यानी आप सबसे पहले नंबर 1 वेरिएबल के की डाटा टाइप इंटीजर ले लेंगे, नंबर 2 की डाटा टाइप फ्लोट ले लेंगे, और 4-1 जो आपका वेरिएबल नेम है उसकी डाटा टाइप आप 4 ले लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप स्कैनएफ में नंबर के लिए % d यूज करेंगे, और जिस वेरिएबल की आपने टाइप इंटीजर रखी है उसी वेरिएबल नेम को यहाँ यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर नंबर 2 वेरिएबल का नेम यूज करें, नहीं, क्योंकि आपने सबसे पहले % d लिखा है विच मीन्स कि आप एक नंबर को इनपुट लेना चाहते हैं तो उस नंबर के लिए आपने जिस वेरिएबल को सिलेक्ट किया है उसी वेरिएबल का नेम यहाँ लिखेंगे, और साथ के साथ % का साइन भी। इसी तरीके से दोस्तों फ्लोट के लिए हमने नंबर 2 वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, यानी यहाँ पर फ्लोट जो वेरिएबल है उसका नाम है नंबर 2, तो यहाँ पर आप %f क्योंकि आपने सेकंड नंबर पर लिखा है तो जो वेरिएबल नेम है इसका ये भी सेकंड नंबर पर ही आएगा। इसके बाद है %c जो कि 4 के लिए है, तो इसके लिए आपने वेरिएबल 4-1 नेम दिया है वेरिएबल नेम, तो यहाँ पर आप 4-1 ही लिखेंगे। अब आइए इन तीनों को भी इनपुट लेके देखते हैं। सबसे पहले पुराने वाली हम स्क्रीन को आउटपुट स्क्रीन को बंद कर देंगे वरना आपके प्रोग्राम में एरर जनरेट होगा। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बोल रहा है एंटर नंबर देन डेसिमल नंबर एंड देन करेक्टर। तो हमने सबसे पहले 6 इनपुट दिया है, इसके बाद 6.5 इनपुट दिया है, उसके बाद h इनपुट दिया है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन अलग अलग तरह के आपके नंबर जो है, नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और करेक्टर जो है वो आपका इनपुट ले लिया गया है। दोस्तों इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पर %d लिख रहे हैं यानी इंटीजर टाइप के डाटा को जो है वो आप इनपुट लेना चाहते हैं तो ये फॉर्मेट स्पेसिफाई इस स्कैनर फंक्शन को बताएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ नंबर को ही इनपुट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए अगर आप नंबर के साथ साथ कोई करेक्टर भी इनपुट दे देते हैं तो फिर आपका ये जो स्कैनर फंक्शन है इसको इग्नोर कर देगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमने एक वेरिएबल नेम लिया है नंबर 1 जिसकी डाटा टाइप हमने इंटीजर लिखी है। अब इस वेरिएबल नेम के अंदर हम यूजर से कोई डाटा इनपुट करवाना चाहते हैं, कोई नंबर इनपुट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने स्कैनर की कमांड लिखी है। उस कमांड के अंदर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज किया है और वेरिएबल नेम नंबर 1 यूज किया है। अब आइए इसको रन करके देखते हैं। दोस्तों इसने बोला है एंटर नंबर, हम यहाँ लिखते हैं 1, 2, 3 नंबर, और साथ के साथ हम ABC भी लिख देते हैं। अब अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिखी है जिसमें हम इस नंबर 1 वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई भी है उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो आपका कंपाइलर इस लाइन पर आ जाएगा, और ये देख सकते हैं दोस्तों आप कि हमने नंबर एंटर तो 1, 2, 3 और ABC किया था लेकिन यहाँ पर स्टोर सिर्फ 1, 2, 3 हुआ है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने स्कैनर में %d फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज किया है जो कि स्कैनर फंक्शन को बताएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को इनपुट लेना है। अगर नंबर्स के अलावा कोई और टाइप का डाटा आ जाता है, मिसाल के तौर पर कोई करेक्टर आ जाता है, तो फिर आपने उस करेक्टर को इग्नोर कर देना है। इस तरह से दोस्तों आप इस स्कैनर फंक्शन के अंदर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर स्कैनर फंक्शन को बताते हैं कि आपको किस टाइप के डाटा को इनपुट लेना है। दोस्तों यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि स्कैनर फंक्शन किस तरह से काम करते हैं। अगले लेक्चर में हम एस्केप सीक्वेंस और कमांड्स की डिटेल आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।